कि एक दिल से जोरदार ताली बजा लें अपने न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर मंजेश कुमार जी का वेलकम करने के लिए। तो मैं कॉल करना चाहूँगा, माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा। मिस्टर मंजेश कुमार जी, मोस्ट वेलकम टू यू इन आवर जूम ऐप। आप प्लीज़ एक NCO प्रोग्राम अपना दें और मैं आप लोगों का स्वागत आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद। और गुड्डू सर, मैंने आपको अनम्यूट छोड़ा है, जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा आवाज साउंड चेक करते रहेंगे, परेशानी हो तो इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस धूम ऑन जूम प्रोग्राम में। जैसा कि गुड्डू सर ने बताया कि आज जो हमारे स्पीकर थे वो किसी अपरिहार्य कारण से आज हमारे बीच उपलब्ध नहीं हो पाए, तो इस प्रोग्राम को हम लोग नेक्स्ट अदर डे करेंगे। और अभी बहुत सारे लोग मोदी केयर में आज इस धूम ऑन जूम के साथ कनेक्टेड हैं, लोगों ने इस बिजनेस को करना शुरू किया है, लोगों ने एक दिलचस्पी लेना शुरू किया है, बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली नए लोग हैं। तो ये तो लोग GBD से मिल रहे हैं, GBD की स्टोरी को जान रहे हैं और हर किसी के दिल में GBD बनने की तमन्ना है। लेकिन एक वहीं पर एक सवाल ये उठता है कि GBD बनने के लिए हमें किन रास्तों से जाना होगा, हमें क्या करना होगा और क्या करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और इस चीज को आज एक अच्छा मौका मिला है कि आज के डेट में हम सभी लोग आज उसको डिस्कस करते हैं, वो रास्ता कौन सा होगा जिस रास्ते से हम सभी लोग GBD बन सकते हैं। तो चलिए, इस आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं, एक स्लाइड आपके सामने है, पाथ टू सक्सेस। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति जिसने मोदी केयर को ज्वाइन किया वो मोदी केयर में सक्सेस होना चाहता है और एक सटीक रास्ते के तलाश में है, एक परफेक्ट रास्ते की तलाश में है जिस रास्ते से कम समय में उसे कामयाबी मिल जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने पाथ टू सक्सेस, सफलता के रास्ते। डियर फ्रेंड्स, हर सक्सेसफुल इंसान अपना एक फुटप्रिंट छोड़कर वो आगे बढ़ता है, वो जिस रास्ते से आगे बढ़ता है अगर उन रास्तों का अनुसरण हम सभी लोगों ने करना शुरू किया, सेम टू सेम अनुसरण करना शुरू किया, तो हम सभी लोग उस जगह पर पहुंचेंगे जहां वो सफल इंसान पहुंचा है। ठीक ऐसा ही कुछ होता है अनसक्सेसफुल इंसान के साथ भी। एक असफल इंसान भी अपना फुटप्रिंट छोड़कर जाता है, पद चिन्ह छोड़कर जाता है। यदि उनके पद चिन्हों का अनुसरण हम करेंगे तो हम भी उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहां एक अनसक्सेसफुल इंसान पहुंचता है। तो आज जिस रास्ते पर हम सभी लोग चलने जा रहे हैं, उस रास्ते पर मैं दोनों फुटप्रिंट आपको दिखाऊंगा, कौन सा रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगी और कौन सा रास्ता आपको असफलता की ओर ले जाएगी, तो इसको हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले किसी ने बहुत खूब कहा है, बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि रास्ते अगर खूबसूरत हो तो पता करो इसकी मंजिल क्या है, रास्ते अगर खूबसूरत हो तो पता करो इसकी मंजिल क्या है, और मंजिल अगर खूबसूरत है तो रास्ते की कठिनाइयों को हम सफर बना दो। कहने का मतलब यह है कि आप पहले निर्धारित करें, अगर कोई रास्ता आपको आसान लग रहा है, कोई रास्ता आपको सुगम लग रहा है, तो एक बार जरूर पता कीजिए कि इस आसान रास्ते की मंजिल कौन सी है। और अगर आपको मंजिल खूबसूरत लग रही है तो रास्ते की कठिनाइयों से परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, उस रास्ते पर चल पड़ना है। और एक रास्ता, एक मंजिल हम सभी लोगों का है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर इन मोदी केयर। मोदी केयर का GBD, जरा सोचकर देखिए एक GBD की लाइफ क्या होती होगी मोदी केयर में। एक GBD कम से कम अगर अर्निंग उनकी होगी एक GBD की, तो कम से कम 5 लाख रुपए तो एक GBD की अर्निंग होगी। और आज जो आपकी आर्थिक स्थिति है,
आज जो आपकी जीवन शैली है उस जीवन शैली में जरा सा विजुअलाइज करके देखें एक बार कि आज से कुछ साल के बाद अगर आपके वर्तमान इनकम में महीने का 5 लाख रुपया और ऐड हो जाता है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब महसूस करके देखिए, जब आप जीबीडी होते हैं, एक सेलिब्रिटी आप होते हैं, पत्रिका में तस्वीर आती है, मान सम्मान पहचान चढ़ने के लिए बड़ी सी गाड़ी आपके पास होती है, आपके बाल बच्चे बहुत सुंदर बहुत बेहतर जगह पर पढ़ लिख रहे होते हैं, आपका एक आलीशान बंगला होता है, ठाठ बाठ सब कुछ होता है, जरा सोच कर देखिए कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर ये सब कुछ आपके साथ होता है तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगर ये चीज आपको आकर्षित करती है, अगर ये चीज आपको अच्छा लगता है, तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे रास्ते पर जिस रास्ते में थोड़ी कठिनाइयां जरूर हो सकती है लेकिन हम सभी लोग इस जगह पर पहुंचेंगे क्योंकि मंजिल खूबसूरत है और हमने चलने का इरादा कर लिया है। तो चलिए इस रास्ते पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पाथ टू जीबीडी। जीबीडी जाने का रास्ता क्या है हमारे पास, उस रास्ते पर मैं आपको लेकर चलता हूं। और पाथ की स्पेलिंग को अगर हम लोग देखें तो पाथ की स्पेलिंग का पहला लेटर जो है वो लेटर है पी। पी का मतलब पेशेंस। पाथ के स्पेलिंग का दूसरा लेटर है ए, और ए का मतलब है एटीट्यूड। पाथ के स्पेलिंग का तीसरा लेटर है टी, और इस टी का मतलब टीचेबिलिटी। और फाइनली पाथ की स्पेलिंग का लास्ट लेटर एच, और एच का मतलब ऑनेस्टी। पाथ का कल तक हम लोग स्पेलिंग पी ए टी एच जानते थे और पाथ मतलब रास्ता समझते थे, और आज पाथ का एक नया फॉर्मूला आपके सामने है, पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जब इस रास्ते पर चलने की शुरुआत, जो भी आज सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी लोग इस नियम को नहीं जानते थे। जिस समय उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था उस समय लोगों को इन नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए इस रास्ते पर चलने के लायक खुद को तैयार किया और इस रास्ते पर चलकर आज हजारों लोग सक्सेस हो चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं रास्तों की बात करेंगे जिस रास्ते से आज आप अनवेयर हो सकते हैं। आज आपको उस रास्ते के बारे में हो सकता है आज से पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हमने करना शुरू किया, थोड़ा सा इरादा बना लिया, थोड़ा मन बना लिया, तो हम सभी लोग, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम सभी लोग मंजिल पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले पाथ की स्पेलिंग का पहला लेटर पी, और पी का मतलब पेशेंस, और हिंदी में अगर पेशेंस की बात करें तो हिंदी में पेशेंस का मतलब है धैर्य। आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कामयाबी के लिए पेशेंस का क्या रोल होता है। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया का कुछ नियम ऐसा है, कि एवरी रिजल्ट नीड अ मिनिमम प्रोसेसिंग पीरियड। हर काम को होने में एक मिनिमम समय लगता है, और उस समय हर आदमी हर काम को होने के लिए एक कुछ ना कुछ समय लगता है। हर काम का प्रोसेसिंग टाइम निर्धारित होता है। और जैसे एक उदाहरण आपको मैं बताऊं कि अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो एक बच्चे का बर्थ होने के लिए 9 महीने का समय निर्धारित होता है। थोड़ा सा कई लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं अनम्यूट करता हूं, मुझे पता नहीं मेरी आवाज आपको जा रही है कि नहीं जा रही है। गुड्डू सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। गुड्डू सर जी, आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज बिल्कुल आ रही है, ठीक है, आवाज में तो नहीं है।
नहीं कोई परेशानी नहीं, जिनका आवाज़ नहीं आ रहा है उनका पर्सनल नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आवाज़ आपका ठीक है। अच्छा आपका मैसेज आता है, लोग हैंड राइज कर रहे हैं तो थोड़ा परेशानी हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं तो गुड्डू सर आप अगर कोई परेशानी हो तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है आपको अनम्यूट कर इस दिया है। इस तरीके का कोई मैसेज नहीं है जिसमें कि साउंड से ये हो, ऐसे लोग अपना हाथ उठा देते हैं, कोई ऐसा मैसेज नहीं है, हम पढ़ अच्छा रहे हैं ठीक पर है, तो मैसेज। ऐसा कर लीजिएगा सर, अगर कोई परेशानी हो तो आप एक कॉल कर लीजिएगा हमको। ठीक है ओके सर, लीजिए, ठीक है सर। ओके ठीक। तो चलिए मैं बात कर रहा था कि इस प्रकृति में हर काम के लिए कुछ न कुछ प्रोसेसिंग पीरियड निर्धारित किया होता है। एक बच्चे का बर्थ होने के लिए 9 महीना निर्धारित होता है। अब मान लीजिए कोई भी आदमी अगर बच्चा चाहिए तो उसके लिए 9 महीने लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर कोई आदमी बीच में ही 4थे महीने में 5वें महीने में उतावला हो जाए कि मुझे अभी बच्चा चाहिए मुझे अभी बच्चा चाहिए, तो बताइए क्या ये संभव है कि बच्चा 4 महीने में हो पाएगा? ये संभव नहीं है। हर काम के लिए एक समय निर्धारित होती है और उस निर्धारित समय तक हमें पेशेंस रखना होता है, हमें सब्र रखना होता है, तब जाकर हम उस क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज एक बीज हमने लगाया, आज एक बीज हमने लगाया, 2 दिन उस बीज में पानी डाला, उसमें खाद डाला और तीसरे दिन से छटपटाना शुरू करेंगे, इस बीज में फल फल नहीं आ रहा है, ये बीज फल नहीं दे रहा है, तो कितने भी हम छटपटा लें लेकिन उस बीज में फल तभी लगेगा, उस पौधे में फल तभी लगेगा जब वो मिनिमम प्रोसेसिंग पीरियड को पूरा करेगा, उसके बाद इसमें फल लगेगा। देखिए इस प्रकृति का कुछ नियम है, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें हमेशा थोड़ा ज्यादा समय लेती है। जब भी किसी अच्छी चीजों की बात करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा समय आपसे मांगती है। जैसे हम लोग बात करें जंगल झाड़ का, अभी बरसात का समय आने वाला है, बरसात में आप देखिए बिना किसी केयर का और कम समय में जंगल झाड़ अनवांटेड प्लांट्स काफी तेजी से बढ़ जाते हैं, काफी तेजी से वो फैल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर किसी यूजफुल क्रॉप्स की बात अगर करें, उपयोगी फसल की बात करें, तो उपयोगी फसल के लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है, एक प्रोसेसिंग पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद ही फसल हमें मिलता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें हमेशा समय लेती है। दूसरा उदाहरण, बिना फल वाला पेड़, किसी ऐसे पेड़ को आपने देखा होगा जिसमें फल नहीं लगता, उसको आप देख लें साल भर 6 महीने में उसकी हाइट काफी बढ़ सकती है, लेकिन एक फल वाला पेड़ जिसमें फल लगता है उस पेड़ को तैयार होने का एक मिनिमम पीरियड होता है, उसके उससे ज्यादा समय आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगली जो उदाहरण है वो है सुसाइड और लाइफ, आत्महत्या और जिंदगी। एक जिंदगी को बनने में कितना समय लगता है, एक जिंदगी अच्छी है उस जिंदगी को बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन उस जिंदगी को खत्म करने में कितना समय लगता है, वो तुरंत खत्म हो जाता है, 1 मिनट में खत्म हो सकता है। ये जिंदगी जिसको बनाने में इतना समय लगा है, याद रखिए गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें समय लेती है। एक पुल का निर्माण करना है और एक पुल को तोड़ना है, पुल का निर्माण करने में, एक पुल को जो बनना है, एक ब्रिज को बनने में हो सकता है 10 साल समय लग जाता है, लेकिन एक ब्रिज को अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़े मोड़े मतलब कम समय में उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन बनाने की बात अगर होगी तो ये ऑलवेज ज्यादा समय लेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें समय लेती है। अगर जल्दीबाजी में कुछ हो रहा है, कोई रास्ता ऐसा आपको दिख रहा है जिस रास्ते से जल्दीबाजी में कुछ हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका परिणाम आगे चलकर कष्टदायी हो सकता है। जिंदगी बनाने के लिए या सफलता के लिए कई लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, ये शॉर्टकट
थोड़ा आसान तो हो सकता है, थोड़ा सुलभ हो सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसका जो है वो हमेशा कष्टदायी होगा, वो कभी आपको खुश नहीं रख सकता है। पेशेंस की बात अगर हम लोग करें मोदी केयर में, तो मोदी केयर में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पेशेंस का मतलब है कि मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, हाथ में टीवी का रिमोट ले लिया और बेड पर लेटे हुए हैं, चैनल बदलते रहे हैं और दिमाग में एक विचार है, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, करना है तो मोदी केयर ही करना है, मोदी केयर में ही सक्सेस होना है। तो इस पेशेंस की आवश्यकता नहीं है आपके कामयाबी के लिए। पेशेंस का मतलब यह है कि आप मोदी केयर ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने लोगों से बात किया, लोगों से बात करने के बाद पहला आदमी आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको मना कर दिया, पहले का रिजेक्शन झेलने के बाद आप दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे लोगों ने भी आपको मना कर दिया, आप तीसरे के पास जाते हैं, तीसरे लोगों ने भी आपको मना कर दिया, अगर चौथे के पास जाने का हिम्मत आपके अंदर है तो मैं उस पेशेंस की बात कर रहा हूं, मैं उस सब्र की बात कर रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है कुछ लोगों ने मना कर दिया तो? एक धैर्य, एक पेशेंस बना करके रखना है। और किस तरह का पेशेंस, एक उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर हरी सब्जियों से भरा हुआ एक ठेला है और एक सब्जी बेचने वाला है। इस तरह के सब्जी बेचने वाले को आपने भी देखा होगा अपने गली, अपने मोहल्ले में। और सुबह के समय में जब आप देखते होंगे तो सब्जी वाला अपने ठेले को पूरा लबालब भर के सब्जियों से, और वो ठेला लेकर आगे निकलता है। और ठेला लेकर जब वो आगे निकलता है तो उसके मन में एक विश्वास होता है कि शाम को जब वो लौटेगा तो पूरा ठेला खाली करके वो लौटेगा। और अक्सर जब शाम में किसी सब्जी वाले को आपने देखा है तो शाम में उसका ठेला आपको खाली मिलेगा। सुबह में भरा हुआ ठेला और शाम में खाली होता है, और दिन भर वो दो काम को करता है, पेशेंस फुल्ली करता है, पेशेंस के साथ दो काम को करता है, पहला काम कॉलिंग और दूसरा काम मूविंग, पहला काम कॉलिंग और दूसरा काम मूविंग। कॉलिंग का मतलब वो चिल्लाते रहता है, चिल्लाते रहता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ये काम वो करता रहता है दिन भर। और मूविंग दूसरा काम, एक जगह पर वो खड़ा नहीं रहता है, अभी इस गली में है, फिर उस गली में है, फिर उस गली में है, पूरा होल द डे, पूरे दिन ये कॉलिंग और मूविंग का काम जो है वो पेशेंस फुल्ली करता रहता है। और यही कारण है कि शाम को जब वो लौटता है तो उसका ठेला पूरी तरह से खाली होता है। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस बिजनेस में भी इसी पेशेंस की जरूरत है। आपको क्या लगता है, जब एक ठेला वाला कॉलिंग करता है, लोगों को बुलाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जितने लोगों के कान में आवाज जाती होगी क्या सभी लोग आकर ठेला से सब्जी ले जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका काम है बोलने का, वो अपना काम करता रहता है, कुछ लोग ठेले तक पहुंचते हैं, जिन्हें सब्जी की जरूरत है ठेले के पास पहुंचते हैं, और ठेले के पास पहुंचने वाला हर आदमी सब्जी खरीद ही लेता है क्या? ठेले के पास पहुंचने वाला हर आदमी सब्जी नहीं खरीदता है। कुछ ये बोलते हैं बासी है, कुछ बोलते हैं महंगा है, कुछ बोलते हैं सड़ा हुआ है, कुछ बोलते हैं गला हुआ है, और इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर वहां से लौटते भी हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी सब्जी को खरीदते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ हमारे बिजनेस में भी होता है। हमारे बिजनेस में भी पेशेंस फुल्ली इस दो काम को करना होता है, कॉलिंग एंड मूविंग। कॉलिंग का मतलब सो द प्लान, लोगों से बात करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों से बात करेंगे वो सभी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन कर ही लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारा काम है जो पेशेंस फुल्ली हमें करना है। और दूसरा मूविंग, कभी रुकना नहीं है, कभी अटकना नहीं है, हमें कंटिन्यू मूव करना है, कॉलिंग और मूविंग को बरकरार रखना है। देखिए, आपको एक इंटरनेशनल रेशियो ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आपको बताना चाहता हूं। इंटरनेशनल रेशियो क्या कहता है? आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे गांव में तो सारे लोग बेकार हैं,
मेरे शहर में सारे लोग बेकार हैं, मैं बिहार में हूं, बिहार के लोग ही बेकार हैं, ऐसा कई बार मन में आता है। लेकिन आपको बताता हूं इंटरनेशनल रेशियो क्या कहता है डायरेक्ट मार्केटिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। इंडिया हो या पूरी दुनिया में कहीं भी, आप अगर 10 लोगों को कॉल करते हैं, कॉलिंग 10 लोगों को आप अगर कॉल करते हैं तो 3 आदमी आपको समय नहीं देगा, 7 आदमी आपको सुनेगा, 7 आदमी आपको सुनेगा, 4 आदमी आपको समझेगा और 1 आदमी आपको ज्वाइन करेगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस रेशियो को। अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हैं, 7 आदमी सुनेगा, 4 आदमी आपकी बातों को समझेगा और 1 आदमी आपको ज्वाइन करेगा। अब देखिए कितना आसान फॉर्मूला है। हम सभी लोग जीबीडी बनना चाहते हैं और ये इंटरनेशनल लॉ भी हम लोग जान चुके हैं, ये रूल भी जान चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। पूरी दुनिया में बरसों से यही होता रहा है, तो हमारे आपके साथ भी यही होगा। ये नियम थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, आज हो सकता है थोड़ा सा नियम कमजोर हो, जब आप एफिशिएंट हो जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें कुछ प्लस हो जाए, लेकिन कमोबेश औसत का नियम यही है नेटवर्क मार्केटिंग का। जो चीज औरों के साथ हुआ वो चीज आपके साथ भी होगा। और आप अगर जीबीडी बनना चाहते हैं इस व्यवसाय में, तो जीबीडी बनने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं तो कितने लेक्स की आवश्यकता होगी, तो आपका जवाब होगा 14 लेक्स की जरूरत होगी जीबीडी बनने के लिए। अगर इस इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ये रेशियो अगर हम लोग देखें, अगर 14 लोगों को ज्वाइन हमें करवाना है तो हमें कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, आपका जवाब होगा 140 लोगों को। डियर फ्रेंड्स, ये रेशियो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस बिजनेस को अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आपने शुरू कर लिया इस बिजनेस को, तो अपने पैसेंस को तब तक आप बनाकर रखें जब तक आप 140 लोगों से बात न कर लें। आज जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल्योर हुए हैं, जितने भी लोग आज फेल हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सभी वही लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया और इस औसत के नियम का पालन नहीं किया, 2-4-10 लोगों से बात करने में ही डिसीजन ले लिया, पैसेंस धैर्य उनका खत्म हो गया और वो इस बिजनेस में फेल हो गए। तो यहां से दो रास्ते मैं आपको दिखा रहा हूं। सॉरी, फोन कॉल की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कंटिन्यू करता हूं। तो चलिए, इस इंटरनेशनल रेशियो को मैं बता रहा था कि इस बिजनेस में बिना 140 लोगों को प्लान दिखाए हुए आप अगर इस बिजनेस से क्विट करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के लिए, आप इस बिजनेस के लिए ना इंसाफी करते हैं। देखिए, एक चीज हमें शुरू में समझाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं एस डब्ल्यू रूल। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं आएंगे। जब आप लोगों से बात करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, उसी सब्जी वाले की तरह कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। उसी तरीके से सम विल कम एंड सम विल नॉट। सो व्हाट, तो क्या हुआ, स्टार्ट वर्किंग, अपना काम चालू रखिए, काम जारी रखिए। सम वन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई गौरी शंकर, कोई ना कोई मंजेश, कोई ना कोई प्रदीप, कोई ना कोई नितिन, कोई ना कोई सचिन आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए काम जारी रखिए, एक्शन में रहिए। और अगर पेशेंस की बात होती है तो पेशेंस के लिए दुनिया को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया अपने हिंदुस्तान ने, और अपने हिंदुस्तान ने बेस्ट एग्जाम्पल पेशेंस के हैं हमारे बापू महात्मा गांधी। आज महात्मा गांधी की पूजा क्यों होती है, जरा सोचिए महात्मा गांधी के बारे में।
जब इन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की और जिस दिन भारत को आजादी मिली, इस बीच का जो समय था वो पूरे 50 साल का था। पूरे 50 साल कोई आदमी एक विचार को अपने दिमाग में रखकर ना कभी रुका, ना कभी झुका, ना कभी अटका, ना कभी भटका, और कंटिन्यू अपने उस सोच पर पेशेंसफुली काम करता रहा। ये कम बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी को लोग समझाते नहीं थे, लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने तर्क देकर समझाया, लोगों ने कहा बाबू आज तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी अहिंसा के बल पर लड़ाई नहीं जीती गई है। तो बापू ने जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि आज तक पूरी दुनिया में अहिंसा के दम पर लड़ाई नहीं जीती गई, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दुनिया में और कहीं गांधी पैदा भी नहीं हुआ था। चूंकि हिंदुस्तान में गांधी पैदा हुआ तो हिंदुस्तान इस लड़ाई को जीतेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, मुझे लगा अच्छा मैं आपको सुना दूं। तो पेड़ के नीचे रखे भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर मैं समझ गया कि जिंदगी में कभी खुद को टूटने मत देना, क्योंकि दुनिया जब टूटने के बाद भगवान को घर से बाहर निकाल देती है तो टूटने वाले इंसान की क्या औकात है। जिंदगी में हम और आप अगर बीच सफर में, बीच रास्ते में हमारा धैर्य अगर टूट गया, हमारा पेशेंस अगर टूट गया, तो ये दुनिया जब भगवान को निकाल देती है तो हमारी आपकी क्या औकात है। इसलिए अपना पेशेंस बनाकर रखें। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं, मेरी दिली कामना है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ इस जूम पर हैं वो सभी लोग इस बिजनेस में जीबीडी बने। आप सभी लोगों के सारे सपने यहां से पूरे हों। और मुझे ये भी पता है कि ये काम 6 महीने में नहीं होगा, साल भर में नहीं होगा। और मैंने आपको जैसे बताया था, इस दुनिया में हर काम का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर आप इस बिजनेस में, आप एक फ्रेशर हैं और आपको आज कुछ नहीं आ रहा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और आप जीबीडी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 5 साल का है। डियर फ्रेंड्स, पिछले 5 वर्षों को जो हमारी जिंदगी का गुजर चुका है, उन 5 वर्षों को जरा याद कीजिए। इस 5 वर्षों में आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसका असर आपकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है? शायद नहीं। 5 साल पहले जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे थे, आज भी हम उसी तरह की जिंदगी, हम में से अधिकांशतः लोग उसी तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन अगर आपने आज कमिटमेंट किया, एक वादा मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने आप से करें, और वादा ये करें, मैं वादा करता हूं कि 5 साल पेशेंस के साथ मोदी केयर करूंगा। मैं वादा करता हूं कि 5 साल पेशेंस के साथ मोदी केयर करूंगा। दोस्तों, अगर ये वादा आपने अपने दिल से किया तो मैं वादा करता हूं कि 5 साल के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। तो पाथ की स्पेलिंग का पहला लेटर था पी, और मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि पेशेंस को बनाकर रखें और कॉलिंग और मूविंग ये कंटिन्यू करते रहें। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, रिजेक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंजिल हमें दिख रही है और 5 साल बाद हम सभी लोग उस मंजिल पर होंगे। और अगली चीज है नजरिया। नजरिया का मतलब क्या होता है? नजरिया हमारे नजरों में नहीं होता, नजरिया हमारे दिमाग में होता है। नजरिया हमारे नजरों में नहीं होता, नजरिया हमारे दिमाग में होता है। चीजों को दो अंगों से आप देख सकते हैं। एक अंग आपकी आंखें हैं, आप अपनी आंखों से उन चीजों को देख सकते हैं, वो आंखों से देखने वाली चीज है। लेकिन नजरिया वो चीज है, कई चीजों को हम अपने दिमाग से देखते हैं। और अपने दिमाग से हम कैसे देखते हैं, जरा सा मैं जो चीज आपको देखने के लिए बोल रहा हूं, जरा सा उस चीज को आप देखें, उस चीज को देखें और थोड़ा महसूस करें। आज सुबह हुई है और आप सोकर जगे हैं, और सोकर जब आप आज जगे हैं,
आपने फटाफट अपना सूट, अपना पेंट, अपना जूता सब कुछ रेडी कर लिया। आप आज स्नान ध्यान करके पूरी तरह से सेविंग वेविंग करके आप तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज आपका जीबीडी का रिकॉग्निशन है। जीबीडी रिकॉग्निशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। घर के लोग भी आपके साथ तैयार हो रहे हैं, आपके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। आज सभी लोग उस सेमिनार में जाने वाले हैं, जिस सेमिनार में आज पूरे परिवार के साथ आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता, आपके पिता, हर किसी का आज रिकॉग्निशन होना है। और आज फटाफट से तैयार होकर अपनी एक लंबी सी लग्जरी गाड़ी में आप बैठ जाते हैं और आपका ड्राइवर लेकर आपको सेमिनार हॉल के पास पहुंचता है। सेमिनार हॉल के पास जब आप पहुंचते हैं, हजारों लोग आपसे हाथ मिलाने को आते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेने का प्रयास करते हैं। वो भीड़ को चीरते हुए आप किसी तरह स्टेज पर पहुंचते हैं और स्टेज पर लोगों ने फूल और माला का बरसात करता किया आपके ऊपर। एक अद्भुत सी फीलिंग आपकी हो रही है। इन चीजों को क्या आप देख पा रहे हैं? और इन चीजों को अगर आप देख पा रहे हैं तो इन चीजों को आप अपने माइंड से देख पा रहे हैं, आंखों से आप उसे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज अभी घटित हुआ नहीं है, वो चीज आपका घटा नहीं है। तो एटीट्यूड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्षेत्र में जब हम सक्सेस होते हैं। और 100% सक्सेस डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं है तो कोई बात नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग आपकी मदद कर देंगे। आपके अंदर और किसी भी चीज की कमी है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी चीज अगर कमी है तो दूसरे लोग आपकी मदद कर देंगे। लेकिन आपका एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। कामयाब होने के लिए एक अच्छे एटीट्यूड का होना जरूरी है। हर बात को अच्छे नजरिए के साथ देखना, सोचना एक सकारात्मक नजरिया कहलाता है और सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, मक्खियां दो तरह की होती है। मैंने पहले भी कई बार आप में से कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, मक्खी दो तरह की होती है। एक मक्खी छोटी मक्खी होती है और एक मक्खी बड़ी मक्खी होती है। जो बड़ी मक्खी होती है ना, वो बड़ी मक्खी हमेशा अक्सर आपको फूलों के ऊपर बैठी हुई मिलेगी। वो फूल के ऊपर बैठती है, फूल का रस चूसती है। और छोटी वाली मक्खी जो होती है वो कहाँ बैठती है? वो गंदे में बैठती है, वो मैले के ऊपर बैठती है। बड़ी मक्खी अच्छी चीजों के ऊपर बैठती है, अच्छी चीजों को सोखती है, चूसती है। और छोटी मक्खी गंदे चीजों पर बैठती है और गंदगी को चूसती है। डियर फ्रेंड्स, कोई भी दुनिया में आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई ना हो। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी मक्खी हैं। अगर आप बड़ी मक्खी हैं तो आप उनकी अच्छाइयों पर जाकर बैठेंगे और अच्छी चीजों को एडॉप्ट करेंगे। और अगर हमारी सोच छोटी मक्खी वाली होगी तो हम उन कमियों पर जाकर के बैठेंगे और छोटी मक्खी वाली चीजों को एडॉप्ट करेंगे। अगर सक्सेस होना है, जितने भी लोग जीबीडी हुए हैं वो सभी लोग अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखा। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों नहीं थी, लोगों ने अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखा और पॉजिटिव रखने से ही कामयाबी आपको मिलेगा। अब देखिए, एटीट्यूड का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हमारे कंसल्टेंट, दो कंसल्टेंट मान लेते हैं, आज अपने पॉकेट में, अपने बैग में आज 5 फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट लेकर के निकलते हैं। दो कंसल्टेंट राम और श्याम। राम आज निकलता है 5 टूथपेस्ट को अपने बैग में डाल के, इस 5 टूथपेस्ट को मैं आज बेच दूंगा और 5 टूथपेस्ट को अगर मैं बेचूंगा तो 50 रुपया रिटेल प्रॉफिट हमारा होगा। ये राम की सोच है। अब श्याम निकलता है, 5 टूथपेस्ट उसके पास भी है और उस 5 टूथपेस्ट को वो सेल करने के लिए जा रहा है। और सेल करने जब जा रहा है तो उसका एटीट्यूड क्या है?
उसका मन, उसके दिमाग में यह है कि आज मैं जा रहा हूं और आज 5 लोगों को उनकी डेंटल प्रॉब्लम से उनको निजात दिला दूंगा, 5 लोगों का कल्याण कर दूंगा मैं आज। डियर फ्रेंड्स, वर्क दोनों एक ही है, दोनों में पेस्ट का बिकना है, फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट दोनों में बिकेगा, लेकिन दोनों का एटीट्यूड अलग अलग होगा। जब एक आदमी टूथपेस्ट बेचने गया और पहला, दूसरा, तीसरा ने जब उसे रिजेक्ट किया तो उसका मन निराश हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका एटीट्यूड सही नहीं था। और जो आदमी कल्याण करने जा रहा है 5 लोगों का, पहले ने मना किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ने मना किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कल्याण करने गया है। हिंदुस्तान में पानी की कमी हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है, लोगों की कमी नहीं होती है, इसलिए वो 5 टूथपेस्ट वो बेच कर आएगा। और जो पेस्ट बेचने गया वो हो सकता है बीच में ही उसका पेशेंस जवाब दे दे। तो एटीट्यूड की बात हम लोग ये कर रहे थे। सकारात्मक नजरिया वाले लोग नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक होते हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना लॉकडाउन, पता नहीं किस तरह के फ्रस्ट्रेशन में आज सभी लोग जी रहे हैं। और आज हम मोदी केयर वालों ने, हम लोगों ने क्या किया इस परिस्थिति का, इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या कर सकते थे। आज हमारे कई ऐसे साथी से हम इस जूम पर मिल पा रहे हैं जिनसे वर्षों हो गई हम कभी मिल नहीं पाते थे, कभी एक दूसरे को जान नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे। आज हम लोगों ने क्या किया, ये एक गुड एटीट्यूड का रिजल्ट है कि हम इस परिस्थिति में भी हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हमेशा आप ध्यान रखें कि अच्छे नजरिया वाले लोगों के संपर्क में रहें, जिससे कि आपका एटीट्यूड सही हो। और सेट योर एंटीना, आप अपना एंटीना सेट कर लीजिए पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा, रामायण सीरियल जब टीवी में आता था और उस समय क्या होता था, जब 9 बजता था और 9 बजे टीवी का फिगर अगर कुछ गड़बड़ होने लगा तो क्या होता था, एक आदमी चढ़ता था छत के ऊपर और छत के ऊपर टीवी का जो एंटीना लगा होता था हम लोग उस एंटीना को सही करते थे। एक आदमी बीच में होता था, एक आदमी टीवी के पास होता था और मीडिएट करता था, आया, दूसरा बोलता था अभी नहीं आया और घुमाओ, फिर बोला आया अभी नहीं आया। अब ऊपर से सेट करके नीचे आए, पता चला इसी बीच में कोई कौवा आके एंटीना पर बैठा और एंटीना फिर से हिल गया। एंटीना हिल गया तो तस्वीर आनी बंद हो गई, पिक्चर आना बंद हो गया। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। और सच कहूं तो शुरुआत का साल दो साल समय लोगों का सिर्फ एंटीना सेट करने में चला जाता है। डियर फ्रेंड्स, एक बार अपने एंटीना को सेट कर लें, एक बार सेट कर लें, वास्तव में आप जीबीडी बनना चाहते हैं तो आज कसम खा लें कि 5 साल तक एंटीना को हिलने नहीं दूंगा। अगर 5 साल आज कमिटमेंट करके एंटीना को कस के आपने फिक्स कर दिया कि 5 साल तक हिलेगा नहीं, तो 5 साल के बाद आप जीबीडी होंगे। लेकिन अगर साल दो साल तक एंटीना ही हिलता रहा, 2 महीना काम किया फिर 2 महीना सो गए, किसी ने कोई कौवा आगे बैठ के एंटीना हिला दिया, तो फिर अपलाइन आएंगे, फिर एंटीना सही करेंगे, तो साल दो साल समय आपका लेट हो जाएगा। इसलिए डिसाइड वंस, एक बार डिसाइड कीजिए क्या करना है। अगर मोदी केयर ही करना है, अगर जीबीडी ही बनना है तो जीबीडी बनना है, तो 5 साल तक एंटीना को हिलने नहीं देंगे। तो पाथ की स्पेलिंग का 2 लेटर मैंने आपको बताया, पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, और पाथ की स्पेलिंग का 3रा लेटर टी, एंड टी फॉर टीचेबिलिटी, सीखने की ललक, सीखने की इच्छा। कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिना सीखे हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना सीखे हुए हम और नहीं लिख पा रहे थे, ए नहीं लिख पा रहे थे, साइकिल नहीं चला पा रहे थे, रोटी नहीं बना पा रहे थे, बिना सीखे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हर चीज को मैंने, हम लोगों ने हर चीज को सीखा है। अभी देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, सीखने की बात है। एक दिन मैं चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, गुड्डू जी भी हमारे साथ थे, और चाय की दुकान पर हमने 3 ग्लास को देखा था।
और तीन ग्लास जिस तरीके की तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर है ठीक इसी तरह से ग्लास था। एक ग्लास आड़ा मतलब लेटा हुआ था, एक ग्लास उल्टा रखा हुआ था और एक ग्लास सीधा रखा हुआ था। ये तीन तरह के ग्लास जो थे एक काउंटर पर मैंने देखा रखा हुआ था। और उसके बाद एकाएक बहुत तेज बारिश हो गई और बहुत तेज जो बारिश हुई तो बारिश होने के बाद तीनों ग्लास के लिए एक जैसी बारिश हुई थी लेकिन तीनों ग्लास का परिणाम अलग अलग था। जो ग्लास लेटा हुआ था उस ग्लास में थोड़ा बहुत पानी गया था, जो ग्लास उल्टा था उस ग्लास में थोड़ा भी पानी नहीं गया और जो ग्लास सीधा खड़ा था उस ग्लास में पूरा का पूरा पानी भर गया। दोस्तों ये केवल ग्लास की बात नहीं है, इस तरह के लोग भी होते हैं। मैं जिस भी मीटिंग में जाता हूं हर मीटिंग में ये तीनों तरह के ग्लास मिलते हैं, मतलब तीनों तरह के लोग मिलते हैं। एक आदमी मीटिंग में टेढ़ा बैठा होता है, आई नो ऑल, मुझे सब आता है। बहुत सारे लोग इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में आते हैं, आई नो ऑल, मुझे सब आता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो अपने ग्लास को सीधा रखिए क्योंकि सीखे बिना इस बिजनेस में कोई नहीं कर सकता। और आपको भी इस बिजनेस को सीखना होगा, जितने भी जीबीडी से आप मिले हैं हर जीबीडी को सीखना पड़ा और सीख कर जीबीडी बने। तो अपने ग्लास को सीधा रखिए, सीखने की ललक। जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आप नहीं सीखेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। और कुछ लोग जो ये बोलते हैं जिनका ग्लास उल्टा हुआ होता है, कुछ लोग सब कुछ जानते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं आई नो ऑल, मैं सब कुछ जानता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग सब कुछ जानते हैं ना, मैं उन्हें भगवान कहता हूं क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है। और चूंकि भगवान अदृश्य होते हैं इसलिए ये लोग भी कुछ दिन आपके बिजनेस में रहेंगे, उसके बाद ये लोग अदृश्य हो जाएंगे क्योंकि ये तो भगवान है, इनको सब कुछ आता है। तो इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए। आज हम लोग बात करते हैं 5 लाख रुपया महीने कमाने का एक बाल कटिंग, हेयर कटिंग जो होता है, जो आपका हेयर कट करता है। 20 रुपये का आप हेयर कटिंग करवाते हैं और 20 रुपया कमाने के लिए 2 साल समय लगता है उसको ये सीखने में कि बाल कैसे काटा जाता है। जब 20 रुपये की कमाई के लिए वो हेयर कटिंग सीखने में 2 साल का समय लोग लगा सकता है तो 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए साल 2 साल का समय हम और आप नहीं लगा सकते क्या? हम लगा सकते हैं। अगर सीखने की टीचेबिलिटी आपके अंदर है तो आप निश्चित रूप से सक्सेस होइएगा। 3 क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। बी टीचेबल, टीचेबल होइए, सीखने के लिए तैयार रहिए, ग्लास को हमेशा खड़ा रखिए। बी कोचेबल, ऐसा बनिए कोई कोच कर सके, कोई गाइड कर सके। और बी करेक्टेबल, सुधार होने योग्य बनिए। और प्रायः लोगों में ये परेशानी होती है, अगर कोई करेक्ट करने का प्रयास करता है तो हमें उल्टा उस पर क्रोध आता है कि मैं तो सही ही हूं, अब मुझे करेक्ट करने की जरूरत क्या है। तो ये 3 गुण आपको डेवलप करना है। और देखिए कितनी अच्छी बात कबीर साहब ने कही है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। करेक्टेबल बनिए अपने निंदक को, जो आदमी आपकी आलोचना आपकी कमियों को बता सके उस आदमी को अपने पास रखिए। और धीरे धीरे वो एक एक कमियों को जैसे जैसे आपको बताता जाता है उन कमियों को धीरे धीरे दूर करते जाइए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप जीबीडी बन करके निकलेंगे, लेकिन ये दिन तब आएगा जब आप करेक्टेबल होइएगा, जब आप टीचेबल होइएगा, जब आप कोचेबल होइएगा, तब ये चीज हो सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस है कॉन्फिडेंस का। अभी देखिए आपके स्क्रीन पर 2 बोरी दिखाई गई है, 1 बोरी खाली है और 1 बोरी भरी हुई है। अब ये खाली वाली बोरी जो है आप इसको सीधा खड़ा करके छोड़ सकते हैं क्या?
ये खाली बोरी, इसको सीधा खड़ा करेंगे, ये क्या होगा, आप खड़ा करेंगे ये धम से गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। और जो बोरी जिसमें भरा हुआ है कुछ भी, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जब आप उसको खड़ा करेंगे वो सीधी खड़ी रहेगी। तो ये जो अंदर जो चीज भरा हुआ है ना, ये होता है नॉलेज, ये होता है उस विषय वस्तु की जानकारी। तो खाली बोरी अगर है, अगर आप सीखेंगे नहीं, अगर आप सीखे हुए नहीं हैं और बोरी आपकी खाली है, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो इसी तरह से पड़े मिलेंगे, गिरे हुए मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा आपके अंदर। और अगर आपने इसको सीख लिया है तो कहीं भी आप जाएंगे तो सीधे खड़े होंगे और सीधे खड़े होकर के लोगों से बात करेंगे। सीखे बिना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और कॉन्फिडेंस के बिना इस बिजनेस में हमारी कामयाबी नहीं हो सकती है। तो सीखने की ललक हमारी बनी रहनी चाहिए। और अपने आप को एक जवाब दीजिए, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आपको जीबीडी जाना है तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा यस। क्या आप घर में बैठे हुए सीख जाएंगे क्या? आपका जवाब होगा नो। आप अपने घर में बैठे बैठे नहीं सीख पाएंगे, मीटिंग में आए बिना, जूम मीटिंग में आए बिना क्या आप इसको सीख पाएंगे? ये संभव नहीं है। आपको सीखने के लिए, अभी हम लोग पहले मीटिंग करते थे, सेमिनार करते थे, उस मीटिंग में आपको आना पड़ता था, और इस लॉकडाउन ने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको दिया, आप अपने घर बैठे हुए सीख सकते हैं और लोग अपने घर बैठे हुए आपको सिखा सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप में टीचेबिलिटी होगी, सीखने की ललक होगी। तो जो लोग मीटिंग में आने से बहाने बनाते हैं, जो लोग जूम पर आने से बहाने बनाते हैं, उनके सपने सच नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सपने फेक होते हैं। जिनके सपने सच हैं, आप सभी लोगों को अपने सपनों से प्यार है, इसलिए आप 3 बजे इस जूम मीटिंग का इंतजार करते हैं और इस जूम पर आप आकर इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। आप ज्वाइन करते हैं, रोज कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, और आपको पता नहीं चलेगा, एक ऐसा वाइब्रेशन आएगा आपके व्यक्तित्व में कि आप जब खड़े होंगे तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ पैशन, नॉलेज पूरी तरह से आपके पास होगी, और कॉन्फिडेंट होकर आप बड़ी आसानी से इस बिजनेस को कर लेंगे। लेकिन जिनके सपने फेक है ना, वो तरह तरह के बहाने बनाएंगे, तरह तरह के बहाने बनाते, क्या करें सर, 3 बजे का समय है और 3 बजे थोड़ा आंख लग जाती है। तो 5 लाख रुपया कमाना इतना आसान नहीं है। अपने सपनों में जान डालिए और कसम खाइए। मैं हर स्टेप के लिए आपसे प्रॉमिस करवा रहा हूं, और कसम खाइए 5 साल तक कभी किसी मीटिंग सेमिनार को कभी भी मिस नहीं करेंगे। 5 साल तक कभी किसी कमिटमेंट, मतलब किसी भी मीटिंग, किसी भी सेमिनार को मिस नहीं करूंगा, बहाना नहीं बनाऊंगा। आप दो ही काम, एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप पैसा कमा सकते हैं या आप बहाना बना सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ कभी नहीं कर सकते हैं। पैसा कमाना है तो पैसा कमाइए, सीखिए, मीटिंग में आइए। और अगली चीज एच, बात की स्पेलिंग का अगला लेटर है एच, और एच का मतलब होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जिस समय मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद सेल्स को मैं समझता था थोड़ा झूठ वूठ बोलने वाला बिजनेस है। मुझे लगता था थोड़ा बहुत लोगों को चिपका देना, थोड़ा लोगों को ठग लेना, थोड़ा, मतलब मैं समझता था कि इस तरह का बिजनेस मार्केटिंग ऐसा ही होता है। आज भी कुछ लोग बोलते हैं मार्केटिंग का मतलब है गंजे को कंघी बेचना। ये सरासर गलत है फ्रेंड्स। मार्केटिंग का मतलब गंजे को कंघी बेचना नहीं है, क्योंकि अगर गंजे को कंघी बेच दिया तो फिर भूल से भी उस गली जाने का नहीं है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, हम जो व्यवसाय करते हैं, हम अपने लोगों के बीच व्यवसाय करते हैं। हम जिन लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे दोस्त हैं। क्या आप चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप जाकर चीट कर लें
चीट करके आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि फिर से दोबारा उस गली में ना जाना पड़े। तो इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, वो शुरुआती समय में जो मैंने सोचा था वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस बिजनेस में याद कर लीजिए, इस बिजनेस में वही आदमी कामयाब हो सकता है जो आदमी ईमानदार है। बिना ईमानदारी के इस व्यवसाय में प्रत्येक साल फिल्टराइजेशन होता है, बहुत सारे लोग छन के निकल जाते हैं। थोड़ी सी भी इरादे में अगर बेईमानी आई तो आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज जो भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, आप आंख मूंद कर कह सकते हैं वो ईमानदार थे, इसलिए आज वो इस जगह पर हैं। ईमानदारी वो संपत्ति है जो कुछ लोगों को भगवान देते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं देते। मैंने देखा है टैलेंट के माध्यम से आप कामयाब हो सकते हैं। आपको जीबीडी बनना है, आपके पास टैलेंट है, आप एक बार जीबीडी बन जाएंगे। लेकिन सफलता की इमारत जिस पर टिकी होती है ना, वो होता है आपकी ईमानदारी, आपका चरित्र। एक बार आप कामयाब हो गए लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है आप में, तो आप उस सक्सेस का लोड झेल नहीं पाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। आपको याद होगा इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत अच्छा प्लेयर था श्री संत। श्री संत ने अपने टैलेंट के माध्यम से उसने क्या किया, बहुत कामयाबी हासिल की। इंटरनेशनल टीम में, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में उसका चयन हुआ। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, टैलेंट तो भगवान ने दिया था लेकिन एक चीज की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी। और ईमानदारी की कमी की वजह से टैलेंट से उस जगह तक पहुंच गया लेकिन ईमानदारी नहीं थी तो उस जगह पर टिक नहीं पाया। तो डियर फ्रेंड्स, इस व्यवसाय में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी किसी और से नहीं, खुद को दिखानी होती है। ईमानदार बाहर तो जो ईमानदारी है वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा ईमानदार आपको किसके प्रति होना है, तो अपने खुद के प्रति ईमानदार होना है। क्यों मैं बता रहा हूं अपने खुद के प्रति ईमानदार होना, क्योंकि हम में से हर आदमी ये जानता है कि वो कितना प्रतिशत झूठा है, वो कितना प्रतिशत बेईमान है, वो कितना प्रतिशत आलसी है। ये हम में से हर आदमी जानता है, अपने बारे में जानता है। मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं, और आप अपने बारे में जानते हैं आप कितने सही हैं और आप कितने गलत हैं। और जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके कामयाबी का रास्ता आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बीइंग ट्रूथफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए आपको विश्वास पात्र होना चाहिए। आपको अपना एक रेपुटेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा रेपुटेशन हो कि आपने अगर कह दिया तो लोगों को ये लगे कि अरे उसने कह दिया तो समझो हो गया। अपना एक रेपुटेशन आप बनाए। और इसी चीज के साथ आप चार चीज हमने आज यहां सीखा, पेशेंस, एटीट्यूड, उसके बाद PAT, T से टीचेबिलिटी, H से ऑनेस्टी, और अपने प्रति ट्रूथफुल बनना है। अवज्ञा नहीं प्रतिज्ञा करें। देखिए, जब भी कोई आदमी हमें सुधार करने की कोशिश करता है तो हम रिएक्ट करते हैं। हम सभी लोगों का ये नेचर है, इंसान का नेचर है। आज अगर कोई ये कमी बताए, आज अगर कुछ चीज करेक्ट करने बोलूं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ना रिएक्ट करें उसको लेकर। तो याद रखिए, अवज्ञा नहीं प्रतिज्ञा करें। अवज्ञा करने से कुछ नहीं होगा, प्रतिज्ञा करें। आज लोगों के पास गया, लोगों ने मुझे मना किया, तो जाओ तुम पहले सक्सेस होकर के दिखाओ। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं कमाता। जिस तरह की बातें लोग बोलते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि उससे लड़ जाइए उसी समय, और दूसरा रास्ता है कि अपने आप को मजबूत कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, एक दिन सक्सेस होकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आज मोदी केयर में जिस जगह पर हूं, सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मुझे ये कहा था कि तुम विदेश यात्रा करके आओ, पहले तुम्हारा देख लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे।
दोस्तों जब विदेश यात्रा मिली, आज उनके सामने खड़ा होता हूं तो मेरा सीना तान के खड़ा होता हूं और उनकी नजरें झुकी हुई होती है। कमिटमेंट करें, जो भी वादा किया उसके लिए जी जान लगा दें। हमारे इस बिजनेस का एक वसूल है, या तो कमिटमेंट ना करें या तो वादा ना करें, और अगर वादा कर लिया तो उस वादा को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, चाहे वो डाउनलाइन की बात हो चाहे वो अपलाइन की बात हो। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज मीटिंग में आया, मीटिंग में अच्छी अच्छी बातों को सुना, फुल एक्साइटेड हो गए, पूरा एक्साइटमेंट में, और एक्साइटमेंट में घर गए, बच्चे से बात करने लगे, बीवी से बात करने लगे, तुम्हें ये हार खरीद के दे दूंगा, तुम्हें ये बड़ी सी गाड़ी दे दूंगा, मैं जीवीडी बनने जा रहा हूं, ये हो गया वो हो गया। रात में इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट, और सुबह में जब लोगों के पास पहुंचे, पहले आदमी ने समझा दिया, मना कर दिया, और वहीं पर हमारी बात खत्म। जब अपने जुबान पर हम इतना भी खड़ा नहीं रह सकते, इस तरह भी खड़ा नहीं रह सकते, तो फिर किस बात की ईमानदारी। रात गई बात गई वाली बात अगर है तो किस बात की ईमानदारी। और फाइनली एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अपने इंडिया में या पूरी दुनिया की बात करें तो 97% लोग अलग हैं और 3% लोग अलग हैं। मेरी बात को समझिएगा, 97% लोग अलग हैं और 3% लोग अलग हैं, क्योंकि काम शुरू, हर आदमी अपनी जिंदगी में कई काम शुरू करता है, शुरू तो सब करते हैं लेकिन खत्म सब नहीं करता है। मोदी केयर शुरू करने की बात है, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। मैं जिस मीटिंग में गया था, जिस सेमिनार में गया था, उस सेमिनार में पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लगभग 500 लोग थे, और उस 500 लोग में कई लोग हमारे साथ थे, आज वो कोई भी नहीं है इस बिजनेस में। शुरू उन्होंने भी किया था, काम शुरू सब करता है लेकिन काम खत्म मात्र 3% लोग करते हैं। अपने इंडिया में लोगों को क्या लगता है कि चलो ऐसा करते हैं कि गाना गाना शुरू करते हैं, गीत गाते हैं, और म्यूजिक का बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लोगों ने गाना गाना शुरू किया, 6 महीना गाना गाया, उसके बाद समझ में आ जाता है कितना बेसुरे, कितने बेसुरे हैं हम। तो लोगों को लगता है कि गाने से अच्छा है कि चलो डांस करते हैं, डांस करना सही है, और लोग क्या करते हैं, फिर डांस करना शुरू किया, और डांस करने में उनको समझ में आता है मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, तो ऐसा करते हैं अब तबला बजाना शुरू करते हैं। अब उन्होंने तबला बजाना शुरू किया, तो यही होता है पूरी जिंदगी, थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया थोड़ा वो किया, शुरुआत 50 चीजों का कर लिया लेकिन खत्म एक भी चीजों का नहीं किया। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने प्रति ईमानदार बने, और मोदी केयर को अगर शुरू किया है, मोदी केयर को अगर आपने शुरू किया है तो मोदी केयर को खत्म करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन मोदी केयर को आप खत्म करेंगे, इस काम को कंप्लीट करेंगे, जब इस काम को पूर्ण करेंगे, उस समय आप वो नहीं होंगे जो आप आज हैं। इस रास्ते पर चलने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। जो बरसों से आपका व्यवस्थित शेड्यूल है, जो व्यवस्थित माइंड सेट है, वो थोड़ा सा चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि 5 साल के बाद आप वो नहीं होंगे जो आप आज हैं। और 5 साल के बाद वो समय आएगा डियर फ्रेंड्स, जहां आपके अपने, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, हर कोई आप पर गर्व करेंगे, और एक सेलिब्रिटी की लाइफ होगी, एक सक्सेसफुल लाइफ होगी। और मैं आप सभी लोगों के लिए ये कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की लाइफ में ये चीज निश्चित रूप से आए, ये समय निश्चित रूप से आए। और एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, आंखों से अंधा था, बाय बर्थ था, और वो क्या करता था, उसके घर से थोड़ी सी दूरी पर एक शंकर जी का, भोलेनाथ का एक मंदिर था, और उस मंदिर पर वो प्रत्येक दिन, वो अंधा व्यक्ति उस मंदिर पर जाता था और भगवान को प्रणाम करके लौट आता था। उस मंदिर के बगल में एक पान की दुकान थी, और वो पान दुकानदार रोज दिन उस अंधे को जाते हुए देखता था और उस अंधे को लौटते हुए देखता था।
एक दिन उस पान दुकानदार ने उस अंधे पर व्यंग कसते हुए वो अंधे से पूछा कि तुम जो रोज मंदिर में आते हो, आंख तो है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या समझते हो, तुमको भगवान दिख जाएंगे क्या? उसने अंधे पर व्यंग किया, ताना मारा कि तुम्हारे पास आंख तो है नहीं, तुमको क्या लगता है भगवान तुमको दिख जाएंगे क्या? उस अंधे ने बहुत मासूमियत से यह जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं भगवान को देख पाऊंगा या नहीं, मैं इस विश्वास से रोज यहां आता हूं, क्या पता किसी दिन मैं भगवान को दिख गया। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे हाथ में हमारा कर्म है, हमारा एक्शन है। जिस सोच के साथ आपने शुरुआत किया है इस मोदी केयर व्यवसाय का, मेरी दिली तमन्ना है आप सभी लोगों के सपने पूरे हो, और मैं अगर आपके उन सपनों को पूरा करने में अगर कुछ काम आ सकता हूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए मिलकर हम सभी लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, अपनी जिंदगी को एक मकसद देते हैं और उस मकसद को मिलजुल कर हम सभी लोग पूरा करते हैं। तो अब मैं थोड़ा जीएस सिंह को अनम्यूट कर रहा हूं। गुड्डू सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? गुड्डू जी सुन रहे हैं? चलिए थोड़ा चेक करता हूं, कुछ गुड्डू जी सुन नहीं पा रहे हैं। नितिन जी को अनम्यूट करता हूं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था नेटवर्क के कारण, मैं फिर से अनम्यूट करता हूं। नितिन जी आप सुन पा रहे हैं? आपको अनम्यूट कर रहा हूं नितिन जी। यस सर। नितिन जी, गुड्डू सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन सर। अच्छा ठीक है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ बॉस जी को। गुड्डू सर, जी मैं यही हूँ, मैं प्रोग्राम में हूँ सर। वो आपका नेटवर्क थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया था इस वजह से। अच्छा जी बॉस जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मजे सर, आज जो आपने दिया है। वाकई में हम भी एक न्यू कंसल्टेंट के रूप में आज सीख रहे थे कुछ चीजों को, बहुत अच्छा लगा। और सारे कंसल्टेंट के लिए आज का यह ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट भी आ रहा है आपका चैट में, जिसमें इन्होंने लिखा है बहुत सारे लोगों ने कि वाकई आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन रहा ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, और बहुत सारे लोग हम वीडियो में देख रहे थे, कॉपी कलम लेकर के लिख भी रहे थे। तो मैं उन सारे लिसनर को, उन सारे स्टूडेंट रूपी कंसल्टेंट को मैं दिल से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने आज एग्रेसिव माइंडेड अपने आप को बनाने का प्रयास किया है, और आने वाले डेट में बड़ी बड़ी सफलता को आप प्राप्त करेंगे, और कल के डेट में आपका भी ट्रेनिंग सेशन चालू होता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच मंजर सर अगेन, एंड इस सूचना के साथ कि 7 बजे फिर हम लोग मिलते हैं एक न्यू कंसल्टेंट के साथ में, एक न्यू लीडर के साथ में, उनकी मन की बात को आज जानेंगे। और दूसरा 8 बजे से प्रमोद आचार्य सर का प्रोग्राम है, 8 बजे से प्रमोद आचार्य सर का प्रोग्राम है, और जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे अपने टाइगर टीम के बेस्ट गुरु, बेस्ट मोटिवेटर हमारे आदर्श आचार्य सर का प्रोग्राम है। उन्होंने, वो जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो मेरे पर्सनल आईडी पे लिंक भेजते हैं, तो आज फिर उन्होंने भेजा है। तो आज हम लोग फिर से 7 बजे और फिर 8 बजे, 7 बजे का प्रोग्राम हम लोग सवेरे खत्म करेंगे, 7:45 तक खत्म कर लेंगे, और 8 बजे से हम लोग आचार्य सर के प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मंजेश सर, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का। और प्रेजेंटेशन के दरमियान मैं सुन नहीं पा रहा था, आपके मैसेज को नहीं पढ़ पा रहा था, अभी आपका मैसेज पढ़ने के बाद मैं काफी खुश हो गया हूँ।
बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल 3 बजे हम लोग फिर जमा होते हैं धूम ऑन जूम पर। और जैसा कि गुड्डू सर ने बताया कि आज 7 बजे प्रत्येक दिन 7 बजे हम लोग डायरेक्टर एंड एबव जो भी हैं हम लोग आपस में मीट करते हैं, और दिन भर में जो कुछ भी हमने सीखा एक दूसरे के बीच हम लोग शेयर करते हैं। 8 बजे रात में प्रमोद आचार्य सर के लिंक पर आप उनके आईडी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रमोद आचार्य सर का प्रोग्राम है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। उनका लिंक को मैं शेयर कर देता हूं, प्रमोद आचार्य सर का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। प्रमोद आचार्य सर का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू मंजे सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। जी जी ओके।